नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए लाया हूँ फ्रेंच मैस्टिव के पप्स, जो कि बहुत ही हेल्दी हैं, 100% ओरिजिनल हैं, बात तक की गारंटी है। अगर आप हमसे बच्चे लेंगे तो आपको मेडिकली चेकअप हुआ हुआ बच्चा मिलेगा, जितने की हमें तजुर्बा है, अपना तजुर्बा जो है वो 25 साल का है कम से कम। बच्चा मेडिकली चेकअप होने का मतलब है कि बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, एनीमिक तो नहीं है, उसे जॉइंटिस तो नहीं है, पीडिया जिसे कहते हैं, आँखों से सही दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, कानों से सही सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, लीवर से फिट है या नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही सवाल है किसी को भी कोई गलत चीज़ ना दी जाए, क्योंकि गलत चीज़ देने के बाद बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता, आदमी को पता नहीं होता। फुल डाल कर ये भैया पहली फीमेल है, उससे मालिक को और बच्चों को दुख होता। ये सेकंड मेल है भैया। और आपको अगर आप हमसे बच्चा लेंगे तो आपको बच्चा पालने की पूरी गाइडेंस दी जाएगी, चाहे आप सेकंड मेल बिल्कुल नए ओनर ही क्यों नहीं है, कि उसे किस तरह से रखना है, खाना कब देना है, वैक्सीन कब करानी है। ये दूसरी फीमेल है भैया, फुल डार्क कलर, बहुत सारी चीजें होती है। देखिए ये रिट्रीवर बच्चे हैं, देखो भैया इसमें मेल फीमेल गोल्डन रिट्रीवर चाहिए वो मिल जाएगा। डार्क कलर, इसके अंदर तीन तरह के बच्चे आते हैं, तीन कलर में, लाइट, गोल्डन और कॉपर। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, कोई लाइट पालता है, कोई गोल्डन कलर पालता है, कोई कॉपर कलर पालता है। आदमी जो है लैब और रिट्रीवर में फर्क बहुत कम करता है। ये थर्ड फीमेल है भैया, लेकिन बड़े होने के बाद पता चलेगा आपको कि आप वो लैब है या मिक्स है या रिट्रीवर है। तो हमेशा जब भी बच्चा परचेज करें तो सही ब्रीडर से लें, सही सेल्समैन से लें, एक पुराने सेल्समैन से लें, चलते फिरते आदमी से ना लें। क्योंकि जो सही ब्रीडर होगा, पुराना काम करने वाला होगा, वो आपको स्वस्थ बच्चा देगा। हमारे काम के अंदर टाइम की कीमत होती है, क्योंकि बच्चा दीदा सही बच्चा देंगे तो आप बार बार परेशान नहीं करेंगे, बच्चा आज दस्त कर रहा है, आज उल्टी कर रहा है, तो लीवर के थ्रू फिट होना चाहिए बच्चा। अगर आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, खेलने के लिए टॉय ब्रीड चूज़ कर रहे हैं तो उसमें 5-7 ब्रीड हैं जो मेन हैं, उसमें बीगल है, लासा है, शिडजू है, पोमेलियन है मेन जो है वो छोटा और सबसे सस्ता बच्चा है, लेकिन खूबसूरत। अगर आपको डॉग पालना है अपने बच्चों के लिए तो वो शिडजू ही होता, इसका फर लंबा होता, फेस पंच होता है देखने में, मुंह पे बाल आ जाते हैं, फर काफ़ी बड़ा हो जाता है इसका। सबसे बड़ी बात है कि इसका फर झड़ता नहीं है, फर लंबा होता रहता है। अगर आप हफ्ते दस दिन में लासा शिडजू मिक्स में आप फ़र्क नहीं कर पाएंगे बचपन में, लेकिन हम जो देते हैं, हम अगर किसी को देते हैं तो बता के देते हैं कि लासा शिडजू मिक्स है। मेन चीज़ आप जैसे पैसे खर्च करेंगे उसी हिसाब से क्वालिटी मिलेगी, हर ब्रीड के अंदर अकॉर्डिंग टू क्वालिटी प्राइस होता है। ऐसा नहीं है कि लैब अगर 6,000 का तो सारे लैब या सारे शिडजू या सारे जो है रिट्रीवर सब एक ही रेट हो जाएंगे, उनकी क्वालिटी, उनके मदर फादर, सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो किस लाइन से बिलोंग कर रहा है, ब्रीडर ने उसे क्या, माँ बाप को क्या खाने के लिए दे रहा है, बच्चों को क्या खाने के लिए दे रहा है, इम्पोर्ट है, चैम्पियन है, तो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। बच्चा आपका पूरी ग्रोथ या स्वस्थ जब ही होगा जब उसे खाने के लिए अच्छी डाइट